हेलो प्रिटी गर्ल्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 फाउंडेशंस फॉर इंडियन स्किन टोन, और वो भी अंडर ₹750। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर, देन वेलकम बैक टू माई चैनल। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक दे दीजिए। और अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो आई गेस ऐसा फाउंडेशन है जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होगा, जिसका भी ऑयली स्किन है या ऑयली टू कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन है। और अगर ड्राई स्किन भी हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी। तो जो सबसे पहला फाउंडेशन है जो मेरे टॉप 5 लिस्ट में आता है, विच इज द फर्स्ट वन इन माई लिस्ट, इज दिस वन। इट्स मेबिलिन फिट मी फाउंडेशन मैट प्लस पोरलेस। सो ये जो फाउंडेशन है ये मेरा सेकेंड बॉटल है मेबिलिन फिट मी का। सो आई लव दिस फाउंडेशन सो मच, लाइक लिटरली गाइस आई नीड टू से दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस वन फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years बाई नाउ। तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है एंड मैं इसको विंटर्स में भी यूज़ करती हूँ। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है विंटर्स में, तो मैं मॉइस्चराइज़र या कोई भी फेस क्रीम लगा लेती हूँ जो अच्छे से मॉइस्चराइज करता हो मेरे फेस को, एंड उसके ऊपर मैं ये लगाती हूँ। तो इससे मेरा स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होता है और बिल्कुल ड्राई पैचेस नहीं दिखते हैं। तो दैट इज़ द ट्रिक, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन। इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 599 और समथिंग, और मेरा जो शेड है वो है 230 नेचुरल बफ। ये सबसे बड़ा बून है ऑयली स्किन वालों के लिए, बिकॉज दिस फाउंडेशन गिव्स अ परफेक्टली मैट फिनिश एंड इट स्टेज फॉर अराउंड 5 to 6 hours इफ योर स्किन इज नॉट दैट ऑयली, एंड इफ इट इज रियली वेरी ऑयली देन इट विल स्टे अप टू 4 to 5 hours ऑन योर स्किन। सो इट्स रियली गुड फाउंडेशन, आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो दिस इज द सेकेंड फेवरेट फाउंडेशन ऑफ माइन, विच इज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन, एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बेज। एंड आपने ये काफ़ी हद तक देखा होगा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में मुझे यूज़ करते हुए। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, मैं कहीं पर आई एम में लिंक कर दूंगी कोई भी मेरा एक मेकअप ट्यूटोरियल, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड दिस इज़ फॉर ₹599 एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग एंड आई लव दैट इट हैज़ एप्लीकेटर। तो इससे हम लोग आसानी से लगा पाते हैं फाउंडेशन, सो इट्स अ क्वाइट अमेजिंग फाउंडेशन। बट मुझे जो नहीं पसंद है इसका जो माइनस पॉइंट है वो है इसका फ्रेग्रेंस। आई रियली डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फाउंडेशन, लाइक प्लीज़ अगर कोई वेट एंड वाइल्ड वाले देख रहे हैं ये वीडियो या कोई पहुंचा सकता है तो प्लीज़ ये एक बात पहुंचा दीजिए कि इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा चेंज करिए। बहुत केमिकल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बाकी बहुत अच्छा है। बट ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट तो हर इसमें होता है। सो दिस फाउंडेशन gives matte finish, so it's also good for oily skin people, and if you have dry skin then I have told you the trick, you can use it. So the third foundation in my list is this one, which is NYX Stay Matte But Not Flat foundation, and ये मेरा second tube है because मैंने काफ़ी पहले ही NYX का ये जो फाउंडेशन है वो यूज़ किया था, जब वो इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था। मुझे गिफ्ट किया था मेरी एक फ्रेंड ने जो लाइक अब्रॉड गई थी, तो इसीलिए मुझे तब से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। बट आई कुड नॉट परचेज इट एट दैट टाइम, एंड आफ्टर लॉन्चिंग ऑन नायका आई परचेज दिस वन एंड इट्स अ रियली अमेजिंग फाउंडेशन। ये भी मैट फिनिश देता है एंड इसका प्राइस है ₹650 और अराउंड 750 और 700 समथिंग ऑन नायका। एंड आप देख सकते हो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, एंड मेरा जो शेड है वो है मीडियम बेज 06। सो ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इवन लाइटर देन फिट मी फाउंडेशन एंड वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन। मतलब एकदम ऐसा लगता है माई स्किन बट बेटर स्किन काइंड ऑफ जो फिनिश होता है वैसा मिलता है मुझे इससे। दैट्स व्हाई आई लव इट अ लॉट। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन इफ यू वॉन्ट समथिंग लाइक बेटर देन फिट मी और समथिंग लाइट वेट देन फिट मी but a better version, so you can definitely try this. So this is the fourth foundation, which is Rimmel Match Perfection foundation.
सो अगर आपका स्किन ड्राई है और अगर आपको क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, अगर आपको कोई भी मैट फिनिश वाले फाउंडेशंस नहीं चाहिए, सो दिस वन इज़ फॉर यू गाइस. इट्स रियली अमेजिंग फॉर ड्राई स्किन. इन विंटर्स व्हेन आई गेट बोर्ड टू अप्लाई हैवी मॉइस्चराइजर और हैवी क्रीम, देन आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन, बिकॉज इसके लिए आपको कोई हैवी मॉइस्चराइजर या हैवी क्रीम ज़रूरत नहीं है और ये कुछ मैट फिनिश नहीं देता है. ये परफेक्ट है ड्राई स्किन के लिए एंड ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी है, तो ये आपका स्किन बट बेटर स्किन काइंड ऑफ ही फिनिश देगा आपको. सो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन इट्स अ बून फॉर यू गाइज. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. इसका प्राइस है ₹700 एंड माई शेड इज 400 नेचुरल बेज. सो इट्स अ अमेजिंग फाउंडेशन एंड इसमें भी पम्प है. यू कैन टेक फाउंडेशन फ्रॉम हियर डायरेक्टली एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस. और मुझे पैकेजिंग भी काफ़ी यूनिक एंड अच्छी लगी. मैंने पहली बार रिमेल का फाउंडेशन ट्राई किया विंटर्स में एंड आई रियली लव्ड इट. सो आई एम सेविंग इट फॉर नेक्स्ट विंटर्स एंड अगर कभी भी मुझे ड्यूई फिनिश चाहिए तो मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन. सो दिस इज़ द लास्ट फाउंडेशन. आई एम कीपिंग इट लास्ट बिकॉज थोड़े लोगों को ये फाउंडेशन पसंद है, थोड़ों को नहीं पसंद है, सो इसलिए, बट आई लाइक इट पर्सनली, सो दिस वाई आई एम शेयरिंग दिस फाउंडेशन विथ यू गाइज. एंड दिस फाउंडेशन गिव्स अ फुल कवरेज, सो दैट्स वाई इट्स माई फेवरेट. सो दिस इज मेबेलिन सुपरस्टे 24 आवर्स फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 220 नेचुरल बेज एंड दिस फाउंडेशन इज फॉर ₹750 एंड इसमें भी पंप आता है. सो इट्स क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली एंड इट्स क्वाइट गुड फॉर यूजिंग. एंड मेन बात मुझे ये इसीलिए पसंद है बिकॉज ये एकदम फुल कवरेज देता है एंड लाइक टोटली मैट फिनिश. अगर आप ये लगाओगे तो उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. लाइक इट्स दैट गुड काइंड ऑफ फाउंडेशन. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. एंड ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है, लाइक इट स्टेज फॉर 7 to 8 आवर्स. ऑब्वियसली जो नाम में है लाइक 24 आवर्स, उतना देर कोई नहीं लगाता मेकअप, ना मैं लगाती हूँ. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड इट इफ़ यू वॉन्ट अ फुल कवरेज फाउंडेशन विच गिव्स मैट फिनिश. सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया है एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. और अगर ये टॉप 5 सीरीज आपको अच्छा लगेगा तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं और भी टॉप 5 कॉम्पैक्ट पाउडर्स या टॉप 5 आई शेडो पैलेट्स या टॉप 5 काजल, टॉप 5 आई लाइनर्स, टॉप 5 फेस पैलेट्स, टॉप 5 ब्रशेस, ऐसा सब सीरीज, मतलब मैं पूरा सीरीज करने का सोच रही हूँ. बट अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं करूँगी. तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में नीचे बता दीजिए कि आपको चाहिए क्या ऐसा कुछ वीडियो. और अगर आपको इसमें से कोई भी फाउंडेशन अच्छा लगता हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स में. एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, कमेंट कीजिए जैसे मैंने आपको कहा, और शेयर कीजिए ये वीडियो बिकॉज काफ़ी यूजफुल होगा. अगर कोई फाउंडेशन खरीदने जा रहा है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा. तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स. लव यू प्रिटी गर्ल्स. बाय बाय.